हेलो एंड नमस्ते आप सभी को। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर पर घी। और अमेरिका में हम लोग घी ऐसे बनाते हैं, एक्चुअली हम लोग घी ज़्यादा भी खाते हैं तो हमारा घी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं घी बना रही हूँ, साथ ही साथ मैं क्लीन अप का भी काम करूँगी। सो लेट्स सी। यहाँ पर यूएसए में ऐसे स्टिक्स में आपको बटर मिलेगा, और बटर हम कॉस्को से लेकर के आते हैं। यूजुअली घर का ज़्यादा सामान हम कॉस्को से ही लेके आते हैं। और इसके साथ साथ आप घर के बाकी काम भी कर सकते हैं, जैसे कि बर्तन साफ करना हो, आपकी पैंट्री हो, आपका क्लीन अप करने वाला, कोई भी किचन का कोई भी काम कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप किचन से बाहर ना जाए, क्योंकि अगर आप किचन से बाहर जाएंगे तो ये जल भी सकता है, क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत बारी चीज़ें हो चुकी है। ये जो घी है ये जल जाता था क्योंकि रख के भूल जाती थी, तो इसीलिए मैं किचन के ही अराउंड रहती हूँ, जिससे कि मैं इसको देखती रहूं और जो भी ये काम है किचन का, जो भी साफ़ सफाई का, वो मैं कर लूं। तो आज भी मैं क्या करूंगी, जैसे इसके साथ में आपने शॉर्ट्स में देखा होगा मेरी, मैंने एक शॉर्ट डाला था, उसमें मैंने घी और पीनट्स दोनों को एक साथ मैंने काम किया था। बट आज पीनट्स का कोई काम ऐसा नहीं है भूनने का, तो मैं आज ये दोनों जो ड्रॉर है इनको क्लीन अप करूँगी, क्योंकि जब भी खाना ऐसे बनता है तो ये जो तो ड्रॉर के अंदर थोड़ा बहुत खाना चला जाता है, क्योंकि जो ड्रॉर है थोड़ा सा ओपन में इसको रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गैस का पाइप है और खाना जब भी बनेगा तो थोड़ा बहुत इसमें चला ही जाता है। तो आज मैं इसको क्लीन अप इसका करूँगी। तो मैं इसकी बर्तन जो भी है पहले इसको एम्प्टी कर लेती हूँ। एरिया को खाली करने से क्या होता है, आप अच्छे से उसको अरेंज कर सकते हैं चीज़ों को दोबारा से, वरना इधर उधर ही सामान रखना पड़ता है। जब सारा सामान निकल जाता है ड्रॉर में से तो ड्रॉर को क्लीन करना ईजी हो जाता है। क्लोरेक्स और बेबी वाइप्स जो स्टेन्स हैं उनको क्लीन करने में मतलब हेल्प करते हैं, जैसे कि मेरे पास में ये स्टेन्स है। आप साबुन से भी इन स्टेन्स को क्लीन कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा क्लोरेक्स थोड़ा इजी लगता है, इसलिए मैं क्लोरेक्स यूज़ करती हूँ। इवन तो बेबी वाइप्स से भी आराम से हो जाता है क्लीन, सो आप बेबी वाइप्स भी यूज़ कर सकते हो। छोटे जो जैसे कोने में जो गंदगी रह जाती है उनको मैं टूथपिक से क्लीन करती हूँ। ये पहले ज़्यादा गंदा था, दोनों आप देख सकते हैं निशान बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। क्लोरेक्स से इजी, क्लोरेक्स हो या बेबी वाइप्स हो, आप इनसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा जल्दी बनाना है तो इसके जो झाग है मैं ये हटा देती हूँ, और जैसे मैं काम में बिजी रहती हूँ तो इसको धीमी आंच में ये धीरे धीरे बनता रहता है। यहाँ पर साबुन से मैंने ये मैट क्लीन कर लिया था, उसको ड्राई भी कर लिया था, और उसके बाद में मैं अब इसको रखूँगी, जिससे कि जो मेरी ड्रॉर है वो इतनी ज़्यादा गंदी ना लगे। इतनी केयर करने के बावजूद भी किचन गंदी हो ही जाती है। यहाँ पर जो ज़रूरी सामान है मैं उनको रख रही हूँ, ज़्यादातर मैं स्टील के बर्तन ही यूज़ करती हूँ। जो मेरे को ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि ईजी होता है कि गैस के पास में रहती हैं चीज़ें, और खाना बनाते टाइम ये चीज़ें पास में मिल जाती हैं। सो कंटेनर्स भी है ना, कॉर्नर, ये कॉर्नर टूट जाते हैं, तो मैं इसलिए इसको इनको बंद करके ऐसे रखती हूँ। पहले मैं ग्लास के कंटेनर एक के अंदर एक रखती थी और लिड अलग रखती थी, बट फिर जब ये ग्लास के जो कॉर्नर है वो टूटने लगे तो मैंने फिर इनको लिड लगा करके रखना बेटर समझा। और यहाँ पर मैं गैस भी बीच बीच में चेक कर रही थी और मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी वीडियो बनाने में। यहाँ पर जो ये वाला जो नीचे वाला एरिया है वो कम ही इस्तेमाल होता है, और मैं इसको मैट को साबुन से क्लीन कर रही थी और बीच बीच में ये भी चेक कर रहे थे घी को, और हमारे ये ड्राई होकर के मैट भी रखा गया, और साइड में मैं ये जो थोड़ा बहुत डस्ट के उसको मैं साफ़ करके जितने भी कंटेनर्स हैं उनको वन बाय वन करके लगा रही थी। और ये कंटेनर्स जो है सभी ग्लास के कंटेनर, प्लास्टिक के कंटेनर मैं अलग रखती हूँ और उनकी लिड अलग रखती हूँ, और साथ ही साथ टिफ़िन भी मैं, टिफ़िन का सामान जो है वो मैं अलग रखती हूँ, जैसे छोटे बॉक्स हो गए वो भी मैं अलग रखती हूँ। चीज़ों को उन्हीं से रिलेटेड, अगर आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कह लो, या उस जैसे ये टिफ़िन बॉक्स है, ये टिफ़िन बॉक्स के साथ में अगर आप छोटे बर्तन भी उसके साथ में रख दे तो उसके आसपास मिल ही जाते हैं इजीली। और हमारा घी भी हो गया रेडी। सी,
आप इसकी तली भी देख सकते हैं इसे, ये हो गया रेडी। अब इसको ठंडा होने देते हैं और अगर आप ऐसे भी देख सकते हो कितना क्लियर है। मेहनत कितना क्लियर है। अब इसको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद में इसको कंटेनर में डालूंगी, वो कंटेनर भी बाहर रख देती हूँ। आई थिंक कि इतने में आ जाएगा। इसको भी यहाँ पर घी के साथ में हमारा ये ड्रॉर भी कंप्लीट है और इसके साथ ही साथ ये वाला ड्रॉर भी कंप्लीट हो गया। सो ये एक बंद दो काज हो गए। घी का काम आप जब भी करें तो बीच बीच में इसको चेक करते रहे, उसको चलाते रहे जिससे कि तली पर ज़्यादा ना चिपके। और ये जो मैंने तली आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा बच गया था, ये तो ये मैंने मंदिर का ये बर्तन है, मैं इसको मंदिर का सामान अलग रखती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं तली पर भी इतना नहीं चिपका है, बर्तन को ज़्यादा घिसने की भी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये ईज़िली बन जाता है घी। और लीजिए हमारा घी तैयार है। और यहाँ पर मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प की वीडियो बनाने में भी और घी को बीच बीच में चेक करने में भी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट।